grind onions. Move this up, hold it. चलते हैं वहां पर मंडप के पास पहले। नमस्कार, हर हर महादेव। अभी हम हैं महाकाल लोक कॉरिडोर के एंट्री पॉइंट पिनक गेट के पास पार्किंग एरिया पे। पार्किंग के ठीक सामने है पिनक द्वार। महाकाल लोक कॉरिडोर से गुजरते हुए सीधे महाकालेश्वर मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, चार धाम और सिंहासन बत्तीस ही जा सकते हैं। ये सामने है फ्लाई ओवर जो उज्जैन स्टेशन जाता है और उसी से सटा हुआ है ये एंट्री गेट पिनक द्वार। सबसे पहले महाकाल लोक के एंट्री पॉइंट पिनक गेट से होते हुए भव्य नंदी द्वार से महाकाल लोक में प्रवेश तक का नज़ारा देखते हैं और फिर दर्शन के बाद महाकालेश्वर मंदिर से होते हुए पूरे महाकाल लोक कॉरिडोर का नंदी द्वार तक का नज़ारा देखेंगे। चलिए चलते हैं। यहाँ से आप जाएंगे तो आपको महाकाल लोक का मुख्य द्वार आएगा और वहाँ से आपको महाकाल लोक आप घूम सकते हैं और सीधे आगे महाकालेश्वर मंदिर। महाकाल मंदिर पहुँच मार्ग ये देखिए, श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति उज्जैन। श्री महाकाल महालोक में प्रवेश का समय 6 बजे से सुबह 6 बजे से होगा, रात्रि 9:30 बजे तक रखा गया है। पूरे दीवार पर शिव जी की, पार्वती जी की और विभिन्न रंगों की चित्र बनाया गया हुआ है। ये इस तरफ है त्रिवेणी सनातन का समकाल, त्रिवेणी म्यूजियम, और सामने आपको दिख रहा महाकाल लोक सीधा यहाँ से। यह महाकाल लोक का भव्य और विशाल 26 फुट ऊंचा नंदी द्वार। ऊपर तो नंदी की विशाल प्रतिमा और द्वार के बीचों बीच इस तरफ गणेश भगवान जी की मूर्ति। महाकाल लोक कॉरिडोर महाकालेश्वर मंदिर के आसपास के क्षेत्र के लगभग 900 मीटर क्षेत्र में फैला है। इस कॉरिडोर में 1000 साल प्राचीन दुर्लभ कला भी दिखाई देगी। अंदर आते ही सीधे आगे की तरफ है महाकालेश्वर मंदिर, लेफ्ट में इस तरफ कमल सरोवर है और त्रिवेणी संग्रहालय, और ये इस तरफ है ये पीछे नंदी द्वार। अब आगे दर्शन के बाद का महाकालेश्वर मंदिर से होते हुए पूरे महाकाल लोक कॉरिडोर का नंदी द्वार तक का नजारा।
श्री महाकालेश्वर का मुख्य प्रवेश द्वार यहाँ पर सामने है इसकी तरफ, और ये उस तरफ आपको दिख रहा है महाकाल लोक। महाकालेश्वर मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, और द्वार के ठीक सामने ही है सुंदर शिव जटाओं से गंगा अवतरण का चित्रण, जिसके दोनों तरफ है नंदी और शेर की प्रतिमा। ये महाकालेश्वर मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, पास में ही है भारत माता मंदिर, और ठीक सामने है स्मार्ट सिटी के तहत पुनर्विकसित रुद्र सागर सरोवर। अच्छा, धूप है, इतना बैठने की व्यवस्था है, प्रॉपर छाव है, शुद्ध जल की व्यवस्था भी है। पानी पी लो भाई। सामने दिख रहा भारत माता मंदिर और श्री महाकालेश्वर भक्त निवास। महाकालेश्वर इस तरफ, श्री शिव मोहनी पुत्र भगवान अयप्पा, श्री दत्तात्रेय अवतार, दोषवान और दत्तात्रेय, श्री पंचमुखी हनुमान, इसके पास ही है तीन मंजिला भारत माता मंदिर, जिसमें भारत माता की विशाल पाषाण मूर्ति और अखंड भारत का एक नक्शा भी है। आप इसमें सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। मंदिर के समीप ही है महाकालेश्वर भक्त निवास, जहां पर आप कमरे भी एडवांस में बुक कर सकते हैं। कॉरिडोर में जो श्रद्धालु पैदल नहीं चल सकते हैं, उनके भ्रमण के लिए फ्री में 11 सीटर बैटरी चालित साउंडलेस और इको फ्रेंडली ई कार सुविधा है।
परेशान ना होना है। हर हर महादेव। और इस तरह भी महादेव की खूबसूरत प्रतिमा है। और ये शंकर भगवान के बगल में ही एकदम पूरा पास में काली माता की प्रतिमा। यह असुरराज रावण का कठोर तप करता हुआ चित्रण कैलाश पर्वत के साथ। पूरे कॉरिडोर में देश की सबसे लंबी भीति चित्र वाली दीवार है। इस पर शिव पुराण की कहानियां चित्रित है, जैसे कि भगवान गणेश का जन्म, सती की कहानी, दक्ष की कहानी इत्यादि। राजस्थान में बंसी पहाड़पुर क्षेत्र से प्राप्त बलुआ पत्थर से इन सारी मूर्तियों और स्तंभों का निर्माण किया गया है। कॉरिडोर में ढेर सारे पौधे लगाए गए हैं, जिसमें रुद्राक्ष, बेलपत्र, शमी इत्यादि के पौधे हैं। सचमुच में एकदम महाकाल लोक लग रहा है।
यह सप्त ऋषि परिसर और मौन साधना करते सप्त ऋषियों का चित्रण प्रतिमाएं। सप्त ऋषि परिसर के पास में ही एक कमल ताल जिसमें शिव जी की मूर्ति योग मुद्रा में है। चलते वहां पर मंडप के पास। पहले पुरातत्व संग्रहालय यानी त्रिवेणी म्यूजियम। सामने पूरा महालोक का और वो दिख रहा सामने आपको भारत माता मंदिर और वह आगे श्री महाकालेश्वर निवास। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है त्रिवेणी मंडप, त्रिवेणी म्यूजियम इसे ना इस तरफ है। और जन सुविधाएं पब्लिक कन्वीनियंस इस तरफ और ओपन एयर थिएटर और दिन यात्रियों को ई व्हीकल की सुविधा दी है, ई रिक्शा का इस तरफ है।
लगभग पूरे कॉरिडोर को कवर करने और सारी मूर्तियों को देखने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं नंदी द्वार पर। यहीं से अभी हम एग्जिट लेंगे।